मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहाने मन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल हम बात कर रहे हैं एक पन्ना की। पन्ना से तो आप सब वाकिफ होंगे, पन्ना कहते हैं वरक यानी कि पेज को। तो ये जो पन्ना है, ये हम जिंदगी के पन्ने के बारे में बात कर रहे हैं। और इस एक पन्ना में हम आपके ऊपर पेश कर रहे हैं मिसेस अम्बू हमारी साहबा को, जिसके बचपन के हालात से हम सब वाकिफ हो चुके हैं। तो आइए अब हम मालूम करते हैं कि मेरी जवानी कैसे गुजरी। जवानी तो मेरा ख्याल है 20-22 साल तक तो इराक में रही, वो जवानी तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं इंडिया आ गई, शादी हो गई। इंडिया में मैं समझिए कि उड़ीसा में मैं मेरी शादी हुई। और वो 5 साल जो गुजरे वो बहुत ही, जैसे कहते हैं कि और हमारे वालिद की पसंद थी और वालिद को चाहिए था एक साइंस ग्रेजुएट, तो नहीं कहना चाहिए, 11-12 पढ़ा हुआ। तो उसकी वजह से उन्होंने तय कर दिया, शादी हो गई, 68 में शादी हुई। उसके बाद हम एक 1.5 कमरे के मट्टी के घर में हम पहुँचे। तो आप सीधे इराक से आकर के सीधे 1.5 कमरे के मकान में, मिट्टी के मकान में रहते हैं। डॉक्टर हरिमा, हकीकत में देखा जाए तो उस ज़माने में भी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ज़िंदगी भी गुजारूँगी। लेकिन एक्चुअली वो ज़िंदगी भी मैंने गुजारी, और मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पर मुसीबत है या मैं परेशान हूँ या मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही हूँ। मैं हर चीज़ को जैसे ज़िंदगी मुझे लाती गई, देती गई, मैं उसको लेती गई और उसको बहुत खुशूसलूबी से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाकई उस खुशूसलूबी से मैंने उसको पूरा किया। वजह यह थी कि मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। तो मिट्टी के घर में आपने भी वो सारा काम किया होगा, घर को मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना, मिट्टी के चूल्हे में चूल्हा जलाना, और 1.5 कमरे के कमरे में कभी कभी कुछ, अगर जैसे मेरे देवर की शादी हुई तो अब 1 कमरा है और 1.5 आधे कमरे में सास ससुर रहना, तो हम बाहर के जो पिंडा कहलाता है, पिंडा पता नहीं उसको, दालान छोटा सा है जिसमें एक, मैं सोचती थी कि अगर मैं करवट बनूँगी तो सीधे नीचे जाके पढ़ूँगी, तो उसमें भी मैं सोई हूँ। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी थी और वो भी एक ज़िंदगी अजीब सी, आप सोचती हो तो गुजार ली मैंने और अच्छा लग रहा था। उस जमाने में कोई शिकायत कुछ मुझे ये नहीं लगता था कि मैं परेशान हूँ या तो उस ज़िंदगी का फिर कैसे खात्मा हुआ, आप फिर दिल्ली कैसे ट्रांसफ़र हुई वहाँ से? मेरे सबसे बड़ा बेटा 4 साल का था और मझला 2 साल का था, बेटी 2 महीने की थी जब मुझे आना पड़ा डिवोर्स की वजह से, दिल्ली ही आना पड़ा। और वालिद मेरे, तो क्या आपने, हालात इतने ख़राब थे इस वजह से डिवोर्स ले लिया वहाँ से? मैंने नहीं लिया, मैं फिर भी उसी में चल रही थी, मैंने उसमें बिल्कुल नहीं लिया। दिया तो बच्चों के वालिद ने दिया, मैंने नहीं लिया। तो कोई ख़ास वजह थी क्या? कोई वजह, आप तो इतनी अच्छी खासी थी, आपकी नज़र में मैं अच्छी खासी खातून थी, दूसरों की नज़र में पता नहीं क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान जब आई, अरे मैं ये सब और जरूर, जब मैं इंडिया आई तो पता चला मैं काली हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं काली हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ से खूबसूरत होके आई थी। जी जी, तो आई हैड ऑलवेज थॉट कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन जब शादी के बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं काली हूँ, तो इसका मतलब है मैं बदसूरत हूँ। तो क्या आपको लोगों ने ताने दिए, कैसे पता चला कि आपको काली? ताने तो देते थे, तो आई नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट, मुझे समझ में नहीं आता था। वजह यह थी कि जिस माहौल में मैं गई थी, वो माहौल की जो उर्दू भी थी वो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर थी। अच्छा, वो गांव की जबान थी? गांव की जबान थी, तो मेरी समझ में नहीं आती थी वो बात। उसको मेरे जो मेरे बच्चों के वालिद थे वो मुझे तर्जुमा करके बताते थे कि इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल
कमरे को वो लोग बखरा कहते थे। बखरा? बखरा। तो उन्होंने कहा बखरे में झाड़ू का ले आओ। अब हम गए इतना क्या कर खड़े थे एक जगह कोने में और सोच रहे कि बखरा क्या चीज़ है। तो फिर उस वालिद बच्चों के वालिद के पास पहुँची और पूछा कि नहीं बखरा क्या चीज़ है। तो वो हंसा और उसने कहा कि भाई बखरा माने कमरा जिसमें तुम खड़ी हो। ये होता था मतलब बहुत सारे गैप था, बहुत गैप था और मेरी समझ में नहीं आती थी उर्दू उनकी उर्दू तो जो नहीं समझ। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मैं जिस गांव की थी वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। किस तरह से ज़्यादातर मौलवी थे और जो लड़कियाँ थीं वो नमाज कुरान और हदीस मसला मसाइल सब पढ़ी हुई थी। वहाँ की बच्चियाँ जो थीं किसी मशरफ की नहीं थी मतलब कोई पढ़ा लिखे अलिबे भी नहीं जानती। बहुत ही इंटीरियर और चार पांच घर थे और उससे ज़्यादा कोई घर नहीं था और खेतियाँ। तो बहरहाल आप जब दिल्ली आ गई वहाँ से तो तब आपको डिवोर्स कर दिया आपके हस्बैंड ने। तो आप दिल्ली आ दिल्ली आ गई दिल्ली आके बच्ची मेरी बेटी दिल्ली ही में पैदा हुई और दो महीने की थी कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो में किसी को खबर मिल गई कि ममदूहा आई हुई है जो हमारी वहाँ सुपरवाइजर थी अरबिक यूनिट की और उन्होंने सुना कि ममदूहा। अच्छा वो हमारे यहाँ इराक में आई थी वो इंडियन एम्बेसडर की बहन थी वहाँ इराक में। तो उन्होंने सबरानी साहब हमारे वहाँ एम्बेसडर थे तो उनकी बहन थी उन्होंने मुझे वहाँ भी जब देखा। मैं अक्सर अपने अपने लोगों के ये करती थी। जब आप दिल्ली वापस आई तो फिर ये ऑल इंडिया रेडियो की कहानी कैसे शुरू हुई? ऑल इंडिया रेडियो में हमारी अरबिक सर्विस एक थी एक है था पता नहीं है कि नहीं है। उस जमाने में वहाँ की जो सुपरवाइजर अरबिक यूनिट की सुपरवाइजर थी डॉक्टर मेहदी कहलाती थी उन्होंने मुझे इराक में अरबी और ट्रांसलेशन मैं अक्सर छोटे छोटे फंक्शंस में वहाँ जाती थी जहाँ मुझे तर्जुमा करना पड़ता था। तो मैं वहाँ जाती थी तो ये भी मुझे बाजार जैसे एम्बेसडर की बीवी जा रही हैं तो मैं उनके साथ जा रही हूँ बाजार में ट्रांसलेशन करना है करना। तो उसमें वो देखा उन्होंने देखा था और काफ़ी फराठे से अरबी बोलती थी तो उन्होंने सुना कि ममदूहा आई है तो उन्होंने वालिद मरहूम को फ़ोन करके अब उस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे कि सुना है ममदूहा आ गई है आप उसको ले आइए हमारे यहाँ औरत एक लेडी वॉइस की ज़रूरत है। तो हमारे वालिद मुझे लेके गए ओखला हेड से बुरका पहन के और उसके बाद वो बुरका उतरा पार्लियामेंट स्ट्रीट में और उसके बाद रेडियो में हम पहुँचे। वो बहुत आओ भगत बेचारी ने किया और उन्होंने सबसे पहले एक इंग्लिश अखबार मेरे सामने रखा और कहा कि आप इसका तर्जुमा कीजिए हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही थी तो हम अरबी क्या क्योंकि आपने इराक में अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी हम अंग्रेजी फराठे से बोलते थे। अच्छा लेकिन लेकिन उड़ीसा में जो 5 साल हम रहे थे उसमें आइस गैस खाइस के सिवा कुछ नहीं आता था। वो 5 साल में अंग्रेजी और अरबी सब कहाँ चला गया था और हमारे टिशुए बहने शुरू हो गए थे हम घबरा गए। फिर तो उन्होंने समझ गई वो क्या छोड़िए मौलाना हमारे मरहूम को अक्सर वहाँ के लोग मौलाना बुलाते थे मौलाना इसकी अरबी कहीं छुपी हुई है अंदर है इसको आगे बढ़ाइए और आप ऑफिस से जो ही पहुँचे तो उससे अरबी बोलिए। और वही हुआ कि वाले मरहूम मुझसे आके अरबी बोलते थे अरबी में सारा हमारी बातचीतें होती थी तो वो जो अंदर था वो निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने मुझे एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो 150 रुपया। अच्छा। और उस जमाने में वालिद मरहूम की जो तनख्वाह थी वो 3,000 थी और वो ये कह रहे थे कि तू 150 रुपये की क्या करेगी। तो मैंने कहा अबू बच्चों के कम से कम दूध तो मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात किसी की मोहताजी तो नहीं रहेगी मोहताजी ना होगी। तो वही हुआ कि उसके बाद नौकरी बढ़नी शुरू हुई है। तो आप ये बताएं कि चलिए नौकरी तो आपने खैर बहुत की माशाल्लाह वहाँ से तो आप रिटायर ही हुई हैं उसके बाद भी आप बहुत फाल हैं लेकिन जब आपका जिस टाइम पे डिवोर्स हुआ था
उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था, क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र भी बहुत ही कम रही होगी, आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो उस वक्त आपके इनको किसने सहारा दिया और कैसे आप उन हालात से? भाई देखिए, अल्लाह का शुक्र है, इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ा कर्म किया। अल्लाह का सहारा तो शुरू से था और एक वालिद मरहूम का सहारा था, वो एक मेरी तरह से एक सुतून थे और उन्होंने बहुत साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया। हाँ, मुझे तकलीफ हुई और हम खूब रोए थे, लेकिन वालिद यही कहते रहे कि छोड़ बात ख़त्म कर मैं हूँ, ये वो कहते रहे। और उनकी हिम्मत से एक्चुअली देखा जाए तो मैंने ज़्यादा उसको दिल में न लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। देखा जाए तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 2 महीने की बच्ची को पालना, दूध पिलाना, बच्चों को 4 साल का बेटा और 2 साल का बेटा, और उन लोगों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, कुछ एक छोटा मोटा स्कूल था वहीं गली में, उस उनके वहाँ छोड़ देना 2 घंटे के लिए, वहाँ से वो ABCD क्या पढ़ के आते थे, तो वो सब में मैं बिजी रही, दिन तमाम बिजी, रात और रात को ड्यूटी ऑल इंडिया रेडियो में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे क्या हो रहा है। हकीकत में यही ज़रूरी है कहना कि मैंने कभी सोचा नहीं कि वो जो एक मेरे शुरू से मैं पॉजिटिव माइंड की बहुत थी और अभी भी हूँ, हर चीज़ को मैं बहुत बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ और अभी तक लेती हूँ, और हर वक्त ये सबको कहती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की बात लीजिए, मुझे कोरोना हुआ, मेरा बेटा घबरा गया, बहुत घबराया और आंसू उसके बड़ी मुश्किल से रोक रहा था, मैं समझ रही थी, तो उसने कहा अम्मी आपको कोरोना? मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की मर्जी है, तुम्हें क्या परेशानी, ठीक हो जाऊंगी, बात खत्म हो गई। क्योंकि आपने ये सोचा कि ठीक हो जाऊंगी, अगर यहीं पे कोई कम हिम्मत इंसान हुआ था तो सोचता अरे मुझे कोरोना हो गया है, मैं तो खत्म हो जाऊंगी, तो फिर यकीन वो खत्म ही हो जाता। अरे मेरे बेटे ने तो पता नहीं, वो सिलेंडर ला के रख दिया, सब कुछ ला के रख दिया, ये सोच के कि मेरी वालदा, असल में मैं दमे वाली भी हूँ जी, तो दमे की वजह से वो घबरा गया ज्यादा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए जिंदगी मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे पर मुसीबत आई या जुल्म हुआ या कुछ हुआ, नहीं, भूख काटी, लेकिन क्योंकि सब काट रहे थे घर में, ससुराल की बात करें, सब काट रहे थे, एक थाली, बस एक छोटा सा वाकया बताऊं, एक चावल बनता था और वो चावल में एक सब्जी कहीं से कहीं खेत से किसी के खेत से काट कूट के ला के करते थे, तो मर्द लोग उसको खाते थे सब्जी चावल के साथ, औरतों के लिए एक बड़े से थाली में और चावल रहता था, उसमें मैं और मेरी देवरानी और मेरी सास, हम लोग 3 लोग उसमें खाते थे एक थाली में चावल, तो अल्लाह उसको मग़फ़रत बख्शे। साथ लोग कहते ना सास जालिम या शोशा, और जुल्म क्या चीज़ है वो जानते नहीं थे, ना मैं जानती थी कि जुल्म क्या चीज़, वो 1-2 लुकमा खा के उड़ जाती थी, छोटे छोटे लुकमे के, ये दोनों खा लें, अब मुझे अंदाज होता था कि ये हमारे लिए उड़ गए हैं, तो मैं और छोटी के लिए उड़ जाती थी 1-2 लुकमा खा के, तो भूख भी काटा हमने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम भूखे हैं या ये है। एक उस जमाने में चरन्नी मिलती थी, एक चरन्नी नहीं थी कि मेरा बेटा, मेरे बिल्कुल छोटा बेटा मेरे गोद में था और वो सुख सुख हो रहा था, मैंने उसको अंदर नीचे रखा और मैंने कहा कि इसको पकड़ लो, ये हो जा रहा है, तो सास सब कर दी, 4 आना पड़ोस से मांग के दवा, होम्योपैथिक दवा लाई गई उस बच्चे के लिए। क्यों आपके शोर काम नहीं होते थे? जी नहीं, कोई काम नहीं होता था। एनीवे वो तो बहुत लंबी कहानी है जी जी, ये सब तो ठीक है। ममदुआ जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमें और नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ममदुआ आपा ने हिम्मत से काम लिया, हौसले से काम लिया, और यही वजह है कि उनके ऊपर जितनी भी मुसीबतें आई, जितने भी आलाम के पहाड़ टूटे, उन्होंने सबको हंस के बर्दाश्त किया, यही वजह है कि आज वो इस मकाम पे है जहां हम उनकी तरफ सर उठा के देखते हैं और फख्र से कहते हैं कि ये है मिसेस ममदुआ माजिद साहब। तो उनकी जिंदगी के अगले हालात हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अपना रखें ढेर सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।